हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इकोनॉमी रोबस्ट डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क। तो ग्लोबल रिस्क तो है, फिर भी हमारी इकोनॉमी जो है आगे बढ़ रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। स्टॉक मार्केट बढ़ रहे हैं, कोई बबल नहीं है, सब कुछ अच्छा है, रॉक हार्ड यहाँ पे हमारा इकोनॉमी है। तो वही ये चीज बोल रहे हैं, देखते हैं क्या है। द इंडियन इकोनॉमी एंड द फाइनेंशियल सिस्टम रिमेन रोबस्ट एंड रेजिलियंट एंकर्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन बोल रहा है ये चीज? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड इन द 29th इशू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन बनाता है? आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आ सकता है। विच वॉज रिलीज ऑन थर्सडे विथ इम्प्रूव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इम्प्रूव हुआ है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू सस्टेन्ड क्रेडिट एक्सपेंशन द आरबीआई सेड। देखो, क्रेडिट एक्सपेंशन तो ठीक है, पर यहाँ पे सस्टेन्ड मतलब ढंग से, किसी को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं कि अंधाधुंध लोन दे दे रहे हैं, वापस भी आ रहा है, बैलेंस शीट इंप्रूव हुआ है। और किस लिए दे रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, देश आगे बढ़ेगा। ये चीज है। अकॉर्डिंग टू द एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, द कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो CRAR एंड द कॉमन इक्विटी टीयर वन CET1 रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक स्टूड एट 16.8% एंड 13.9% रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ मार्च। अब देखो, यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से बैंक होते हैं जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं, इनके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब एनपीए जो होता है, ग्रॉस एनपीए रेशियो फेल टू अ मल्टी ईयर लो ऑफ 2.8% एंड द नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट NNPA रेशियो डिक्लाइन टू 0.6% एट द एंड ऑफ मार्च। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एनपीए कम हुआ है और ये मल्टी ईयर लो पर चला गया एनपीए। मैक्रो मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट फॉर द क्रेडिट रिस्क रिवील दैट द शेड्यूल कमर्शियल बैंक वुड बी एबल टू कंप्लाई विथ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट विद द सिस्टम सिस्टम लेवल CRAR। आपका ये हो गया कैपिटल टू रिस्क वेट रेशियो एसेट रेशियो इन मार्च 2025 प्रोजेक्टेड एट 16.1% एंड 14.4% एंड 13% रेस्पेक्टिवली अंडर बेसलाइन मीडियम एंड दी सीवियर स्ट्रेस सिनेरियोस। तो ये हमारे सेंट्रल बैंक ने बोला है। नॉट फॉरकास्ट क्या है? दिस सिनेरियो आर स्ट्रिंजेंट कंजर्वेटिव असेसमेंट्स अंडर दी हाइपोथेटिकल शॉक एंड दी रिजल्ट शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज फॉरकास्टेड एडेड। नॉन बैंकिंग कमर्शियल कंपनीज NBFCs, तो NBFCs और बैंक में, सबसे पहली बात बैंक में और NBFC में क्या अंतर है, और बैंक में शेड्यूल कमर्शियल नॉन शेड्यूल कमर्शियल में क्या अंतर है, ये चीज़ हमें देखना है। रिमेन हेल्दी विद इन दी क्रॉस ऑफ 26.6% ग्रॉस NPA रेशियो 4% एंड रिटर्न टू सेट्स ROA 2-3.3% रिस्पेक्टिवली। तो आप देखो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का हम लोग देख रहे हैं एनपीए 2.8 और NBFC का एनपीए 4.0%। यहाँ पर साफ बात है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक कुछ तो अलग कर रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC कुछ तो अलग कर रही है, तो अच्छा तो बैंक हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप क्रेडिट टू रिस्क वेट रेशियो एसेट रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे 26.6% है और वही चीज यहाँ पे आप देखो 16% है। तो डिफरेंस तो है बैंक में और इसमें, और फंक्शनिंग में भी। शायद ये हो सकता है कि ये थोड़ा रिस्क वाला लोन देते हैं, ये ज्यादा रिस्क वाला लोन नहीं देते हैं, ठीक है। स्लो डिसइन्फ्लेशन, द आरबीआई नोटेड दैट इन द एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दैट द ग्लोबल इकोनॉमी वाज फेसिंग हाइटेंड रिस्क फ्रॉम द प्रोलॉन्ग्ड जियोपॉलिटिकल टेंशन एलिवेटेड पब्लिक डेब्ट एंड द स्लो प्रोग्रेस बीइंग मेड इन द लास्ट माइलस्टोन ऑफ इन्फ्लेशन। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हैड रिमेन resilient and financial condition stable and Reserve Bank of India added। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमारे लिए important point क्या है पूरे article में। सबसे पहले हमें banks का classification देखना है, कितने type के bank होते हैं, और इसमें NBFC जो है इससे difference देखना है, ठीक है। Schedule versus non-schedule, ठीक है, ये हमें देखना है, ठीक है। ये क्या होता है हमें देखना है,
जो हो गया आपका कैपिटल रिस्क वेट रेशियो ओवर, ठीक है, और कॉमन इक्विटी टीयर वन ये हमें देखना है, ठीक है, हमें एनपीए देखना है। अब एनपीए में भी ग्रॉस एनपीए हो गया और एक हो गया नेट एनपीए, ये हमें डिफरेंस देखना है क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर हमें देखना है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिस इन्फ्लेशन क्या डिफरेंस है इन तीनों में। देखो मैं बता दूं, इन्फ्लेशन जो आपका जो गुड्स सर्विस उनके प्राइस ऊपर जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। डिफ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ तो रही है पर बहुत धीरे बढ़ रही है, जैसे पहले 10% से बढ़ रही थी तो अब वो 2% से बढ़ रही है, तो महंगाई तो बढ़ अभी भी बढ़ रही है, पॉजिटिव में है पर वो धीरे बढ़ रही है। और डिस इन्फ्लेशन होता है कि वो नीचे जा रही है, प्राइजेस बढ़ नहीं रहे, प्राइजेस घट रहे हैं, तो क्या हमारे लिए डिसफ्लेशन सही है? इज डिसफ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी? अच्छा ही है ना एक तरीके से, कि आज लैपटॉप हम लोग खरीद रहे हैं 100 रुपए का, कल वही लैपटॉप हम लोग को मिलेगा 90 रुपए का, 90 रुपीज में, तो बताओ सही है कि नहीं है? नहीं सही नहीं है। ये क्या है कि इसमें क्या होगा, कंज्यूमर हमेशा डिले करेगा। आज मुझको पता है मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ 10 लाख की, कल मुझे वही गाड़ी मिलेगी